दोस्तों पिछले एक साल से डॉक्टर विशुप राय कहते आए हैं कि ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स देने की वजह से ही काफी पेशेंट की जान जाई है, लेकिन किसी डॉक्टर ने, किसी हॉस्पिटल ने और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बॉडी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और लोग मरते चले गए। आज आईसीएमआर भी आकर इस बात को कह रहा है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने की वजह से ही लोगों की जान जा रही है। और इस समय जो आप पिछले कुछ महीने से देख रहे हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, मीन्स ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने से, ज्यादा स्टेरॉइड्स देने से जो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फंगल लोगों में बहुत देखा जा रहा है, इसकी मेन जड़ यही है। लेकिन अब आईसीएमआर ने भी आकर हॉस्पिटल पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ज्यादा ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देने की वजह से, स्टेरॉइड्स देने की वजह से इतने सारा सेकेंडरी इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर विश्व राय चौधरी का क्या कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन कोई अगर दवाई नहीं लेगा वर्सेस दवाई लेगा, ऐसा कोई ट्रायल वो जानबूझ के नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा एक ट्रायल किया था उन्होंने 2004 में डायबिटीज में, कि 300 ब्लड शुगर है 10,000 पेशेंट की, 5,000 पेशेंट को दवाई दिया नहीं और 5,000 पेशेंट को दवाई दे दिया मेटफॉर्मिन, और सोचा देखते हैं 6 साल बाद क्या होता है। 6 साल तो छोड़िए, 3.5 साल के अंदर ही जिन लोगों ने दवाई लिया था, जाहिर है उनकी ब्लड शुगर कम होने लगी, लेकिन उनमें जो मोर्टलिटी था इट वेंट इंक्रीज्ड बाय 22%, 22% उनकी मोर्टलिटी बढ़ गई। तो वो जो ट्रायल था जो 6 साल तक होना था, 6 साढ़े 6 साल तक, वो 3.5 साल में उनको रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि दवाई लेने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो यहाँ पे आप एज ए व्यूअर आपको ये देखना है कि एविडेंस बेस्ड क्या है। अगर एविडेंस बेस्ड है तो क्या है, एक सवाल पूछना है कि ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ, क्या ये दवाई लेने से मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ स्पैन चलो ना बढ़े लेकिन मुझे कुछ आराम मिलेगा इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, और इसका कोई एविडेंस है क्या, ये एक सवाल पूछिए। अब हम डिजीज वाइज सवाल पूछते हैं, क्या डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं दवाई लूंगा तो क्या मेरी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, और लेट माई ब्लड शुगर बी हायर। तो एविडेंस क्या कहता है, मेडिकल लिटरेचर में एविडेंस ये कहता है कि दवाई लेने से ना तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी ना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल लिटरेचर बोल रहा है। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी कैंसर की। कैंसर में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है या सर्जरी है, अगर मैं ये करूंगा तो क्या मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू कैंसर के पेशेंट कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी ना आयुर्वेद भी ना ले, होम्योपैथ भी ना करे, कुछ करे ही ना। तो एविडेंस ये कहता है, एविडेंस ये कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन लंबी होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप कीमोथेरेपी लेंगे या रेडिएशन लेंगे या सर्जरी कराएंगे। तो चाहे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर लेते हैं, हार्ट में भी ऐसा ही जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो यही कहता है। ब्लड प्रेशर में यही कहता है कि अनलेस आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है कंसिस्टेंटली, तब थोड़ा बहुत दवाई का असर हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में या आपकी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करने में। बिना दवाई के अगर आपका ब्लड शुगर 160, ब्लड प्रेशर आपका 160/100 से नीचे रहता है नॉर्मली, चाहे वो 150/95 ही रहता हो, तब भी अगर दवाई लेके उसको और नीचे करेंगे 120/80 लाने की कोशिश करेंगे तो नंबर चाहे वो आ जाए लेकिन आपकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगी, उल्टा घट जाएगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो भी घट जाएगी। सो सिमिलरली अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन में भी ये ट्रायल हुआ है, रिसेंटली हुआ है पिछले साल, कि जिन बच्चों ने वैक्सीन लिया कंपैरिजन में जिन बच्चों ने वैक्सीन लिया ही नहीं। अब इन दोनों को अगर हम देखें, ट्रैक करें कि पिछले 20 साल में पूरे दुनिया में जिन लोगों ने वैक्सीन लिया अलग अलग तरह के, जिन बच्चों ने और जिन्होंने नहीं लिया, तो ये देखा गया जिन बच्चों ने नहीं लिया कोई भी वैक्सीन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका इंटेलेक्ट, उनकी हेल्थ, उनकी इम्यूनिटी, इन आंकड़ों पे कंपेयर किया और इन सारे आंकड़ों पे देवर मच मच सुपीरियर इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ ना कुछ वैक्सीन लिया। तो ये जो अगर एविडेंस बेस्ड देखें, तो चाहे हम वैक्सीन की बात करें, चाहे कीमोथेरेपी की बात करें, चाहे डायबिटीज की ड्रग्स की बात करें, चाहे हार्ट की ड्रग की बात करें, या फिर जो रिसेंटली जो कोरोना डॉक्टर NN मल्होत्रा जी ने अभी बताया कोरोना की दवाइयों की बात करें, तो ट्रायल जो है अभी तक के ट्रायल्स हैं वो सारे के सारे ट्रायल्स में यही साबित होता है कि आप अगर बीमार हैं तो एलोपैथी की दवा ना लेके कुछ ना भी करेंगे तो भी आपकी लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और अगर आपने दवाई लिया या कीमोथेरेपी कराया या फिर रेडिएशन कराया या सर्जरी कराया जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कराया, तो उससे आपकी लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी लाइफ घटने वाली है। ये सारे एविडेंसेस को मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, कलेक्ट करके मैंने इस बुक में डाला है। ये बुक भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं bishwaroop.com में जाके ई बुक सेक्शन में। तो आप जब भी एज ए व्यूअर, एज ए पेशेंट, जब भी आप बीमार पड़े तब
जब भी कोई कहाँ जाना है वो आप डिसाइड करेंगे, होम्योपैथी में जाना है, आयुर्वेद में जाना है, कहीं जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अगर जाते हैं तो डॉक्टर जो भी दवाई देगा आपको सिर्फ इतना पूछना है अपने आप से या डॉक्टर से कि ये दवाई लेने से आपका मकसद क्या है, उस दवाई लेने का क्या आपका मकसद, सिर्फ ये है कि कोई एक नंबर अचीव करना, राइट, कि आपका ब्लड शुगर का नंबर क्या है, ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, या रिपोर्ट क्या कहती है, या आपका मकसद है हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाना एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। अगर आपका मकसद क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन बढ़ाना है, विच शुड बी द मेन पर्पस, तो ये सारी की सारी दवाइयों का जो मेडिकल लिटरेचर में जो एविडेंस है, दैट इज अ कंप्लीट फेलियर, दैट इज अ कंप्लीट फेलियर। तो वो सारे डेटा अगर आपको चाहिए तो यू कैन पुट हियर, राइट, ये इसको देख सकते हैं, इसमें मिल सकता है। दोस्तों, सुना आपने डॉक्टर विश्वभाई चौधरी का कि आपको डॉक्टर से एक सवाल पूछना है, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि अगर आप ये दवाई खा रहे हैं, ये दवाई खाने से क्या मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, क्या मैं एक स्वस्थ जिंदगी जी पाऊंगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है, और अगर आपको ये आंसर मिलता है कि नहीं, इसको खाने से आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, इसको खाने से ये भी गारंटी नहीं है कि आप बहुत लंबी जिंदगी जी पाएंगे, तो फिर आपको दवाई खाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि क्या आपको एलोपैथी दवाई खानी चाहिए, क्या आपको एलोपैथी का इलाज लेना चाहिए, या आपको नेचुरोपैथी में जाना चाहिए, आपको आयुर्वेदा में जाना चाहिए, आपको होम्योपैथी में जाना चाहिए। दोस्तों, इस पर आपके क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे फेसबुक पेज मानस समर्थ को जरूर फॉलो करें, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये वीडियो कैसी लगी इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लें। अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।